अस्सलाम वालेकुम। आलू और मीठे कद्दू की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी आज मैं आपको। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें यहाँ पे मैंने मीठा कद्दू ले लिया, जिसको हलवा कद्दू भी कहते हैं। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया, और हमने आलू ले लिए हैं जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। आधा किलो मैंने लिया था मीठा कद्दू। ज़ीरा है यहाँ पे 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून या 2 टेस्ट, हल्दी 1 टीस्पून और लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे मेरे पास प्याज है एक स्लाइस में कटी हुई, टमाटर एक स्लाइस में कटा हुआ, और हरी मिर्चें हमने ली हैं 2 से 3, इसको आपने चॉप कर लेना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल डाल दिया इसमें तकरीबन 3/4 से 1/2 कप। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, हरी मिर्चें भी ऐड करके अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारी जो प्याज है उसको गोल्डन ब्राउन हो जाए। मैं प्याज को जब गोल्डन ब्राउन करना होता है, जब भी ब्राउन करना होता है, मैं इसको कंटिन्यूसली हिलाती रहती हूँ। उसकी वजह ये है कि ताकि आपकी प्याज इक्वली ब्राउन हो जाए, कहीं से ऐसा ना हो कि कहीं से कम ब्राउन हो और कहीं से जल रही हो और कहीं से कच्ची रह जाए। तो आप भी इसको हिलाया करें बार बार ताकि सारी इक्वल ब्राउन हो जाए। जी तो देखें हमारी जो प्याज है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। अब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया, 1 स्लाइस में कटा हुआ टमाटर बड़े साइज़ का। और अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको भुनेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे कि टमाटर जो हमारे नरम हो जाए। अब हमने इसमें नमक मिर्च हल्दी भी ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो हमारे मसाले हैं तो कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैंने इसके अंदर आलू और मीठा कद्दू या हलवा कद्दू वो डाल दिया है। अब हमने इसको कवर करके पकाने के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था, ये स्टीम में ही पका। ये देखिए हमारा सालन है वो तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो उसको भी हमें ज़रूर बताइएगा। इसको मैंने धनिया से गार्निश किया है, और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।